विकासखंड बरौली अहीर की ग्राम पंचायत पवावली के गांव ट्रकपुरा में स्थित ग्राम पंचायत भवन का 3 वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था, लेकिन 3 साल के बाद भी लाखों की लागत से बना ग्राम पंचायत भवन अब धूल फांक रहा है और वहां कंडे थापे जा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आगरा जनपद के थाना डौकी क्षेत्र के विकास खंड बरौली अहीर अंतर्गत ट्रकपुरा में 3 साल पहले ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था, जो लगभग 27 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग करके पंचायत भवन की जगह उसे एक कंडा भवन बना दिया गया है। बड़ी विडंबना है कि लाखों की कीमत से बने इस भवन की तरफ किसी उच्च अधिकारी का ध्यान अब तक नहीं गया है। जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई तो जांच पड़ताल करने में अधिकारी दोषी तो पाए गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान नेता श्याम सिंह चौहान का कहना है कि अगर किसी किसान को 5 लाख रुपए दे दिए जाए तो एक नया भवन बन जाएगा। भैया जी, जो परेशानी तो बहुत है, इसके लिए एक पंचायत घर के 27,18,000 रुपए आया था। अगर कोई गांव का बंदा बनाया तो मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए में बन जाएगा। इसमें घोर भ्रष्टाचार किया गया, इसकी जांच भी हुई, जांच में भी दोषी पाए गए। अब इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का मैंने मन बना लिया है। जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकारी धन का गबन किया है इनसे रिकवरी होनी चाहिए। भाई ऐसे थोड़ा ये जमुना सेंट से बना दिया जाए। कितना वर्ष हो गया इनका ये बना हुआ ये भवन को? इनको 2-2.5 वर्ष हुए जब इसे कार्रवाई की मांग। ये यहाँ पे ये उपले वगैरह ये कंडे वगैरह ये ग्रामीणों ने थाप रखे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना जानकारी देना? भाई गाँव वासियों से निवेदन है कि या तो इनको हटा लें, नहीं हटाएंगे तो एक धक्का से इनके खिलाफ। इसके बारे में आपने कहीं उच्च अधिकारी से शिकायत की? इसके बारे में इसकी एक SDM से लेकर के एक टीम भी गठित हुई थी, टीम में ये दोषी भी पाए गए। यहाँ से लेकर के राष्ट्रपति तक इसकी शिकायत कर चुके हैं, परंतु अब किससे कहें? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में न्यायालय तो कोई रहा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि चोर चोर मौसेर भाई है। अगर किसान गलती करते उसके लिए तुरंत कार्रवाई होती है, अगर अधिकारी गलती कर दे। इस ग्राम पंचायत प्रधान से भी आपने कुछ अवगत कराया इसके बारे में? प्रधान जी भी है विरोध में, क्या कहते प्रधान जी? उन्होंने भी, हमने कहा था, मैंने साहब ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपने तरफ से कार्रवाई की होगी, उनसे दोबारा पूछा जाएगा। अगर नहीं कार्रवाई की गई है तो अगर ऐसे आगामी कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई अब तो यहाँ कार्रवाई करते करते परेशान हो गए, अब तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा इनके खिलाफ। परेशानी मेरे को ये आ रही है, गांव वाले इनसे मना करते हुए अपने कंडा गोबर घूरे पूरे ये सब डाल रहे हैं, और ज्यादा जबरदस्ती करते हैं तो दबंगी दिखाते हैं, आ जाओ लड़ लो वो कर लो, तो मानते नहीं है, जबरदस्ती अपनी मनमानी करती है। ये कब से बना हुआ है ये पंचायत भवन? लगभग 2017 में बनाए मेरे लिए। अभी इसमें कोई अधिकारी वगैरह कोई कुछ? कोई अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया, सुनवाई कर हम कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने इसकी सूचना किसी अधिकारी को दी है? दी है, DM तक पहुंचा दी हम सर, पर लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। अब इसके बारे में आप क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? कार्रवाई यही करना चाहते हैं, इनका वो कार्य पूरा हो जाए विकास, और ये कांडा पंडा उठ जाए, और इसके शीशा पीसा लगे जाए, ये दरवाजे भवरवाजे लाइट फाइट ये पूरा काम हो जाए इनका। प्रधान से सूचना दी आपने? प्रधान से सूचना है, प्रधान जी कुछ नहीं करते हैं। बता दें कि विकास खंड बरौली अहीर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पावावली के गांव ट्रकपुरा में ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, जिसके आसपास जलभराव व उबले कंडे थापे जा रहे हैं। इस ग्राम पंचायत भवन की शिकायत किसान नेता श्याम सिंह चौहान, देवेंद्र, सतेंद्र, दीवान सिंह आदि ने की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस बार यह मामला अधिकारियों ने अपनी संज्ञान नहीं लिया तो हमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।